21 साल से एक संस्था का वो कर रहा हूँ। तो उसमें जैसा आपने बताया कि जो बुद्ध विहार बना है वो मैं 2014 में था और मेरे को उस टाइम टीबी हो गई थी। हालांकि मुझे ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी उस टीबी में मैं कंटिन्यूस उसको और शायद 12 जुलाई 2014 में उसका उद्घाटन हुआ, जो भंते ज्ञान रतन है, हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं उनको जानते होंगे। तो मैं ये बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मैं एक दो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ जो आज के संदर्भ में। संदर्भ क्या है कि देखिए, ऐसा है कि NDA बहुत अच्छा काम कर रही है। इनके 5-7 बार मैंने भाषण सुने हैं, अपने आप ही सुने हैं, बुद्धिव्यास में बाहर सुने। तो मैं इनको अपनी तरफ से पूर्ण सहयोग दूंगा, जब तक हूँ तब तक दूंगा, जो हमारी संस्था है वो भी देगी। लेकिन मैं 2-3 चीज़ें बात इस जो मैंने वक्ताओं की बात सुनी है, जो मेरी समझ में आई है, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी समझ में आई है इसमें 2-3 चीज़ें मैं आगे बढ़ाऊँगा जो मेरी समझ में। आप पता नहीं आपको मेरी बात से सहमत होंगे कि नहीं होंगे। एक तो जो संस्था चल रही है, जैसा बाकी लोगों ने भी कहा है कि अलग से चलती रहे, क्योंकि इनका समावेश एक जगह होना नामुमकिन जैसी बात है। उसमें कई फैक्टर हैं, वो फैक्टर सब मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर एक संस्था का अपना कहना चाहिए उसका आर्थिक स्टेटस है, उसका पद का स्टेटस है। तो सारी संस्था एक जगह नहीं हो सकती, सारी संस्था चले, लेकिन जो इलेक्शन का मुद्दा है, चाहे 2019 का हो चाहे 2030 का दिल्ली का हो, उसमें सारी चीज़ें आप इकट्ठी करके सब लोग जो संस्था के हैं, उसमें 3 संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल संस्था, सामाजिक संस्था और धार्मिक संस्था। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि तीनों को मिला के जो भी कार्यकर्ता रहे, इसको आगे बढ़ाने वाले हों, तीनों से मिलें, जो भी उनके नुमाइंदे हैं, प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, जो भी आगे बढ़ाने वाले हैं, उन सबसे बात की जाए। तो ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है कि ये जो हम जीतने वाली बात कर रहे हैं ये आगे जाके इसका बहुत अच्छा वो रूप बनेगा, बशर्ते विश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो, दूसरा लगन हो, तीसरा ईमानदारी हो और निस्वार्थ होना चाहिए काम। अगर जहाँ स्वार्थ आ गया वही चीजें खराब होना शुरू हो जाती है, वही एक दूसरे से अलग होना शुरू कर देते हैं। तो ये जो संस्था है, तो मैं इनको एक बात कहूँगा कि कोई संस्था बिना पैसे की नहीं चलती है। वो इसके जो कार्य रूप बने, जो भी जैसा भी रूप बने, उसमें पैसे का जरूर रखे, अलग से चले, कैसे चले, अलग से ही चलेगी, सारे शामिल नहीं हो सकते, लेकिन उसके लिए पैसे के लिए जरूर इसका इंतजाम करें कि कोई संस्था बिना पैसे की नहीं चलती। जय भीम, जय भारत।